पसंद है ना? हमारे वहाँ पानी नहीं आता है क्या? हम लोग किसी झुपड़पट्टी में रहते हैं जी। क्या हुआ माँ? ये देख, इसकी नौकरानी की धुलाई, सारा के सारा साबुन वैसे का वैसा लगा है। हराम की तनख्वाह लेती है क्या? ये क्या हो रहा गीता, तुम थोड़ा स्ट्रिक्ट नहीं हो सकती हो? स्ट्रिक्ट हो जाऊंगी तो नौकरानी भाग नहीं जाएगी जी। एक तो इतनी मुश्किल से नौकरानी मिलती है, उसे भी मैं प्लेट में साबुन लगा है ये कह के निकाल दूं? नहीं नहीं, रख रख ना, अपने पास रख। रात को भी क्यों छुट्टी देती है? रात को भी अपने पास रख, वो तेरा टाइम पास करती रहेगी। लाइए, मैं धो देती हूँ। एक दिन भूखी रह जाऊंगी तो मर नहीं जाऊंगी। माँ, तू खा अपनी बीबी के हाथ का। माँ, ये सब अच्छा नहीं है गीता। मेरी क्या गलती है, साफ तो है प्लेट, हम भी तो खा रहे हैं। यहाँ आकर मुझे बड़ा अच्छा तजुर्बा मिला है। खानदान की इज्जत में मैं बाहर चुप हो जाती हूँ। क्या है? डार्लिंग जरा धीरे से बोलो, खानदान की इज्जत का सवाल है ना? पता है, लेकिन उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। पता नहीं क्या समझती है अपने आप को। बस कल हम अपने घर चले जाएंगे, फिर मैं उनके साथ कभी कहीं नहीं जाऊंगी। ऐसा थोड़ी होता है डार्लिंग। ऐसा ही होता है और ऐसा ही होगा। एक तो उनकी बबली मेरे बिट्टू के साथ दुनिया भर का झगड़ा करे, और मैं अगर कुछ भी कहूँ तो मुझ पर ही बरस पड़े। कमाल है, आखिर मैं भी इंसान हूँ, मेरे मुंह में भी ज़बान है, मैं भी उन्हें लताड़ सकती हूँ। हाँ डार्लिंग, और वैसा देखे ना तो बबली की बदमाशियाँ भी दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। लेकिन तुम कुछ मत बोलना, जब भी लड़ने की बारी आती है मैं ही लड़ती हूँ। लेकिन बस राहुल, बहुत हो गया। आज के बाद अगर बबली ने बिट्टू को कुछ भी कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये देख, वो ये गीता ने जो काम वाली रखी उसने मैं ये साड़ी काट दी ताकि मैं उसे ये साड़ी दे दूं। ये सब क्या हो रहा गीता? क्या हो रहा है सब, देखा तुमने? इस काम करने वाली की लापरवाही दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है, तुम्हें उसके साथ सख्ती से निपटना होगा बस। ये साड़ी तो काम वाली ने धोई नहीं है जी। तो किसने धोई है? लॉन्ड्री वाले ने। ये देखो निशान भी लगा हुआ है। क्या? मैं उसे अभी दिखा के आता हूँ। बिल्कुल। उसकी ऐसी कंपनी। नहीं नहीं जाने दीजिए उन्हें। आना दिखा के आइए आप। क्या हुआ सासू माँ? आप एक बार फिर मुंह के बल गिर गई। क्या करें? भगवान भी आपका साथ नहीं दे रहा। ऐसा ही होता है सासू माँ। जो इंसान दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो उस गड्ढे में पहले गिर जाता है। देखिए ना, अब अच्छी खासी सारी भी गई और हाथ में कुछ नहीं आया।